कैसे हो आप सब लोग। हिमाचली हर्बल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, हिमाचली हर्बल आज आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी लाया है, एक ऐसी औषधि लाया है जो टूटी हड्डियों को भी जोड़ देती है बिना सर्जरी के। दोस्तों, आयुर्वेद भी इसको बहुत ही ज़्यादा गुणकारी औषधि मानता है। वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है दोस्तों थातकी। थातकी कई तरह के रोगों के निवारण के लिए काम आती है। इसके फूल, जड़, तने की छाल, फल, पत्ते और लताएं सब काम आती हैं। धातकी का पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है। इसके पौधे में हर साल जनवरी से अप्रैल माह तक फूलों से भर जाता है। इसके पौधों में नए पत्ते फरवरी से मार्च के महीनों में गुलजार हो जाते हैं। दोस्तों, इन पौधों के फूल का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है और साथ में कसैला भी होता है दोस्तों, और इस फूल की तासीर ठंडी होती है। स्वास्थ्य वर्धक ये जड़ी बूटी कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है दोस्तों। खासकर ये हड्डियों को जोड़ने के लिए रामबाण से कम औषधि नहीं है। अब हम बात करेंगे कि धातकी के और क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, अगर आप पित्त की समस्या से जूझ रहे हो तो धातकी के फूलों का चूर्ण और एक चम्मच गुलकंद के साथ मिला के उसको खाइए तो पित्त विकारों में आराम मिलता है। दोस्तों, नेत्र रोग में भी धातकी बहुत ही ज़्यादा कारगर औषधि मानी गई है। काला प्लास का सार और धातकी के फूलों को बारीक पीसकर उसका चूर्ण तैयार कर लीजिए। फिर इस चूर्ण को शहद या दूध में मिलाकर पी लीजिए, इससे नेत्र विकार दूर हो जाते हैं। धातकी के फूलों से बना चूर्ण सुबह खाली पेट पानी के साथ लेने से पेट के कीड़े भी दोस्तों नष्ट हो जाते हैं। बवासीर की समस्या से परेशान रोगियों को धातकी के फूलों का शरबत पीना चाहिए, इसमें बवासीर में आराम मिलता है। दोस्तों, आंत के अल्सर में भी धातकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए दोस्तों आपको लोथ की छाल का चूर्ण लेना है और धातकी के फूलों का चूर्ण, दोनों को मिलाकर सेवन करना है, आंत का अल्सर ठीक हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि धातकी जो है वो टूटी हड्डियों को भी जोड़ देती है। अगर आपको किसी प्रकार की भी हड्डियों में समस्या हो गई है या आपकी हड्डियाँ टूट गई हैं तो अब धातकी के फूलों का सेवन कीजिए, हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा और जुड़ जाएंगी। इसका लेप आप दोस्तों हड्डियों को जोड़ने के लिए भी सहायक हो। अगर दोस्तों शरीर के किसी भी अंग में जलन हो रही है तो अब धातकी के फूलों को गुलाब जल में मिला के पीस लीजिए। जब वो लेप तैयार हो जाएगा उस लेप को उस जलन वाली जगह में लगाइए, जलन में आराम मिलता है। दोस्तों, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं अगर वो भी दोस्तों धातकी के फूलों का लेप बनाकर अपने शरीर पर लगाते हैं तो उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, आज की हर्बल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई हर्बल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।